हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ एग्जाम ओरिजिनल्स में। एग्जाम ओरिजिनल्स में हम हर दिन रात को 8 या 8:30 के आसपास एक सेशन लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज क्या हुआ है कि नवरात्रि शुरू होने की वजह से इतना ज्यादा शोर हो रहा था। आप सबको पहली बार तो नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई है, लेकिन इतना शोर हो रहा था कि मैं सेशन स्टार्ट ही नहीं कर पाया। तो आज है 26 सितंबर 2022 और आज का जो न्यूज़पेपर है उसका डिस्कशन हम करने वाले हैं। हम हर दिन डिस्कस करते हैं 8:30 बजे छोटा अखबार। छोटा अखबार में हम कवर अप करते हैं सारे बड़े न्यूज पेपर को, दैनिक भास्कर हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, हिंदू हो गया, मिनिस्ट्री वेबसाइट हो गई, जो भी इम्पोर्टेंट खबर जहाँ से भी आई है उसको इंक्लूड करने की हम कोशिश करते हैं आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है? मेरी आवाज क्या आप क्लियर आ रही है? ठीक है, एक सेकेंड रुक जाइए। हेलो, क्या अभी आवाज क्लियर आ रही है? प्लीज चेक के क्या अभी आवाज क्लियर आ रही है। हेलो एवरीवन, क्या अभी आवाज क्लियर आ रही है? आई होप ये आवाज आपको अब क्लियर आ रही होगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आई होप अब मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही होगी। ठीक है, तो 26 सितंबर 2022 न्यूज़पेपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज की बड़ी खबरों में सबसे पहली बड़ी खबर आई है, आज का इंपॉर्टेंट पेपर है। तो देखिए, हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है, जिनको हम एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर भी बोलते हैं, उन्होंने 77th यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग अटेंड करी, जिसमें उन्होंने रशिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट की बात करी हुई है। ठीक है, जिसमें उन्होंने रशिया और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की बात की हुई है एंड ये कहा कि इंडिया जो है वो पीस की साइट है और यूनाइटेड। ठीक है, तो शायद बीच में कुछ डिसकनेक्शन हो गया था। ठीक है, चलिए स्टार्ट। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है, उन्होंने 77th प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, 77th यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग में पार्टिसिपेट किया, जिसमें रशिया यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर बात की गई। देखिए, इंडिया रशिया का सपोर्ट डायरेक्टली नहीं कर सकता है और यूक्रेन के अगेंस्ट या यूक्रेन का सपोर्ट भी डायरेक्टली नहीं कर सकता है, क्योंकि रशिया के साथ व्यवहार इंडिया के, तो इसीलिए डायरेक्टली कभी इस पर बात नहीं होती। लेकिन इंडिया ने यह जाहिर किया है कि इंडिया यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है उसका बहुत ज्यादा सम्मान करता है और वो पीस की साइड पे है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट था। इसके बाद G20 की प्रेसिडेंट जो शिप है वो इंडिया के पास होगी अगले साल। ठीक है, तो दैट इज वाई ये भी एक बड़ा मुद्दा था जिसके बारे में डिस्कस हुआ है। और क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी बात की गई थी, जैसे हमने श्रीलंका को हेल्प करी अभी, ठीक है, म्यांमार में खाना पहुंचाया, वीट पहुंचाया हमने अफगानिस्तान में, इन सब चीजों के ऊपर भी बात की गई। बस आपको इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए याद रखना, 77th मीटिंग थी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की। उसके बाद मेंस के लिए एक ब्रिलियंट एग्जाम्पल साबित हुआ है ओडिशा में, क्योंकि ओडिशा सरकार ने एक
इनिशिएटिव चलाया है चाइल्ड मैरिजेस यानी बाल विवाह को रोकने के लिए, ठीक है, बाल विवाह को रोकने के लिए। और उसके अंदर क्या किया जा रहा, जो भी पीवीटीजी, देखो एक होता है ट्राइबल ग्रुप यानी पिछड़ा वर्ग भी होता है ये, लेकिन ट्राइबल्स में भी कुछ लोग बहुत ज्यादा ट्राइबल होते हैं, ठीक है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, ठीक है, ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं, ऐसे 75 ग्रुप्स हैं इंडिया में अभी, ठीक है, और इस ग्रुप्स में से जो है वो उड़ीसा में पाए जाते हैं। तो उड़ीसा में ये बोला गया है कि अगर देखो इन ग्रुप्स में या ट्राइबल कम्युनिटीज में क्या होता है, बच्चों की शादी जल्दी हो जाती है, तो उड़ीसा सरकार ने बोला अगर इस कम्युनिटी के लोग 18 के बाद अपनी बच्चियों की शादी करा रहे हैं या बच्चों की शादी करा रहे हैं तो उनको 20,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा, उनको 20,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा, जो कि एक बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है चाइल्ड मैरिजेस को रोकने के लिए। अब देखो ये कैसे आप यूज करोगे, अगर मेंस में चाइल्ड मैरिज या चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ आता है तो आप ऐसे एग्जांपल लिखोगे, जिस तरह उड़ीसा ने अपने यहाँ चाइल्ड मैरिजेस को कम किया है वैसे ही मध्य प्रदेश भी कर सकता है और ये पूरे इंडिया में लागू होना चाहिए। ऐसे एग्जांपल ना आपको एक एक्स्ट्रा मार्क जरूर देके जाते हैं, प्रीलिम्स में यहां से कुछ भी नहीं आएगा प्रीलिम्स में यहां से, लेकिन यहां से सिर्फ देखो 20,000 रुपए नहीं आएगा क्योंकि हम उड़ीसा का पेपर तो दे नहीं रहे, हम तो एमपीपीएससी दे रहे हैं। तो इस वजह से ये आप कहां पे यूज करोगे, मेंस में यूज कर सकते हो चाइल्ड के वाले सेक्शन में। अगली न्यूज की तरफ चलते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, आपको क्लियरली दिखनी चाहिए, बट इसका नाम है ऑपरेशन मेघ चक्र। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऑपरेशन मेघ चक्र किससे रिलेटेड है, तो मेघ चक्र रिलेटेड है चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड है। तो ये एक सीबीआई का इनिशिएटिव है जिसमें 20 स्टेट और यूनाइटेड नेशंस में एक सर्च किया जा रहा है कि कैसे जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज का जो मटेरियल है या फिर चाइल्ड पॉर्न्स है ये कैसे सर्कुलेट होती है, ठीक है। और आपको प्रीलिम्स में ये आएगा कि मेघ चक्र किससे रिलेटेड है, मेंस में आप मेघ चक्र का एग्जांपल दे सकते हो, फिर से बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए अगर कभी आपको कल्पना करनी हो या बेहतर भविष्य के लिए आपको अगर कुछ बात करनी हो तो आप ऑपरेशन मेघ चक्र का इंक्लूड कर सकते हो। इसी के साथ ऑपरेशन कार्बन के बारे में भी आप बात कर सकते हो जो पिछले साल नवंबर में चलाया गया था और सिमिलर ऑपरेशन था चाइल्ड पोर्न को रोकने के लिए। तो कभी बात आए ना चाइल्ड पोर्नोग्राफी के ऊपर, चाइल्ड डेवलपमेंट के ऊपर, चाइल्ड मिसबिहेवियर के ऊपर, चाइल्ड अब्यूज के ऊपर, तो दोनों का एग्जांपल जरूर डालना, बेहतरीन तरीके से आपको एक या दो नंबर एक्स्ट्रा दिला के जाएंगे। और प्रीलिम्स तो मैंने बता ही दिया। इसके बाद आता है डिफेंस एक्सपो, तो आपको पता होना चाहिए जो डिफेंस एक्सपो 2022 है ये कहां जा रहा है। प्रीलिम्स के लिए सवाल बनता है कि ये गांधीनगर में होने जा रहा है, ठीक है, और इसी के अंदर इंडिया अफ्रीका का एक डिफेंस डायलॉग भी होगा, तो अफ्रीका की 53 कंट्रीज से लोग इसमें इनवाइटेड है, ठीक है, लेकिन कंपनीज जो है वो सिर्फ इंडियन होंगी। आपको मेन याद रखना है, प्रीलिम्स के लिए ये जरूरी है कि गांधीनगर में होने जा रहा है, मेंस के लिए जरूरी है, पेपर टू पार्ट बी का हो सकता है कि अगर आपको ट्रेड को बढ़ावा देना है तो ऐसे डिफेंस एक्सपो या फिर मतलब ऐसे इनिशिएटिव्स लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर बढ़िया लगा हो तो ये वीडियो लाइक करते चलिए। साइड में अब क्या होता है, देखो एली का मतलब होता है दोस्त, तो यूनाइटेड स्टेट्स ने अफगानिस्तान को अपना दोस्त या अपना एली बनाया था, लेकिन ये एक नॉन नाटो कंट्री है। मतलब नाटो कंट्री क्या होती है, जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आती है, वो नाटो कंट्रीज है, उसमें आपका मतलब उसी साइड की कंट्रीज जो अटलांटिक ओशन के आसपास है ना वो होती है, लेकिन इसी कैटेगरी में एक नॉन नाटो भी होता है कि जो नाटो कंट्री नहीं है बट फिर भी एली है। तो जो यूएस अफगानिस्तान था, अफगानिस्तान यूनाइटेड नेशंस का एक नॉन नाटो एली था, यूनाइटेड स्टेट्स का एक नॉन नाटो एली था, लेकिन वो स्टेटस अब वापस ले लिया गया है तालिबान के अटैक के बाद, ठीक है। 2012 में ये स्टेटस दिया गया था और 2022 में ये स्टेटस ले लिया गया है, ठीक है, इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। इसके बाद ये एक बहुत स्टार इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, क्या हो रहा है ध्यान से समझो। इंडिया अपना ऑयल मेजरली कहां से लेता है, मिडिल ईस्ट कंट्री से, उसमें आता है आपका सऊदी अरेबिया, ईरान, ठीक है, इराक, अब पहले मतलब पहले लेता था, अब नहीं लेता, लेकिन हाँ इन्हीं कंट्रीज से लेता है,
लेकिन अब क्या हो रहा है, ऐसा नहीं है कि बाकी कंट्रीज के पास नहीं है, ब्राजील जैसी कंट्रीज के पास भी ऑयल है, और हम अगर इन्हीं कंट्रीज पे डिपेंडेंट रहेंगे तो कहीं ना कहीं अगर इन कंट्रीज में कुछ गड़बड़ होती है, इन कंट्रीज में कुछ गड़बड़ होती है तो हमारे यहाँ की ऑयल का जो सर्कुलेशन है वो बंद हो जाएगा, हमारे यहाँ पेट्रोल आना कम हो जाएगा, डीजल आना कम हो जाएगा, आप समझ रहे हो, ऑयल के क्राइस जाएंगे। तो इसीलिए भारत पेट्रोलियम जैसी कंपनी ने, एक ब्राजील की कंपनी है पेट्रोब्रास करके, पेट्रोब्रास, इसके साथ एक डील साइन की है सो दैट हम सिर्फ, या ये जो है वो सिर्फ सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक और मिडिल ईस्ट की कंट्री पे निर्भर ना रहे ऑयल के लिए, ये साउथ अमेरिका की कंट्रीज से भी ऑयल लेना स्टार्ट करे। तो ये बहुत अच्छा है कि क्रूड ऑयल जो है वो हमें मल्टीपल सोर्सेस से लेना चाहिए, ताकि ऐसा नहीं है कि इनकी मोनोपोली बन जाए, हम इन्हीं से ले रहे हैं, फिर अगर यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है तो इंडिया में ऑयल की सप्लाई कट रही है, नहीं, क्रूड ऑयल की सप्लाई 2-3 जगह से आनी चाहिए। तो इसीलिए ये याद रखिएगा, बीपीसीएल ने किस कंपनी के साथ अपना टाई अप किया है, पेट्रोब्रास के साथ टाई अप किया है, जो कि एक ब्राजील की कंपनी है, और ये क्रूड ऑयल इंडिया को प्रोवाइड करेगी। ब्रिलियंट 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 इनिशिएटिव, मैं तो ये बोलूंगा, ठीक है। और ये कब से स्टार्ट होगा, 2026-27 से ये स्टार्ट होगा, इंपॉर्टेंट है, इसलिए कर लो, फ्यूचर है, एनर्जी है, ठीक है। इसके बाद जो बहुत सारी, देखो अभी क्या इनिशिएटिव चल रहा है, बहुत सारी पार्टीज है जो रजिस्टर्ड है लेकिन फंक्शनल नहीं है, यानी काम नहीं करती है, बहुत सारी पार्टीज हैं जो रजिस्टर्ड है, काम करती है लेकिन उनके डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी को जो है वो अलग किया जा रहा है, जो इलेक्शन कमीशन के नॉर्म्स पे उतर नहीं पा रही है। ये एक ब्रिलियंट इनिशिएटिव है। अगर आपको पॉलिटी में ये लिखने आता है कि हम अपनी डेमोक्रेसी को बेहतर कैसे कर सकते हैं, तो RUPP, रिकॉग्नाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड रजिस्टर्ड अनऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज जो नहीं चल पा रही है या नहीं कॉम्प्लाई कर पा रही है, उनको अलग करके ऐसे इनिशिएटिव लेना बहुत जरूरी है डेमोक्रेसी को बेहतर बनाने के लिए, ठीक है, डेमोक्रेसी को बेहतर बनाने के लिए। तो ऐसे इनिशिएटिव्स के बारे में जरूर अपने मेंस के आंसर में मेंशन करें, ऐसे इनिशिएटिव्स के बारे में जरूर अपने मेंस के आंसर में मेंशन करें, ठीक है। ये चल रहा है, बाकी तो क्या ही है, ठीक है। इसके बाद एक चीज चल रही है, क्या हुआ है कि भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984 में हुई थी, इस 1984 के इंसिडेंट के लिए इसको पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल डिजास्टर जाता है, ठीक है, जिसमें 5,000, ये नंबर याद रखना, आप एमपी के हो इसीलिए, 5,295 लोगों ने अपनी जान खोई थी और 5,00,000 से ज्यादा लोगों ने आपको इस चीज का सामना करना पड़ा था, या कुछ ना कुछ दिक्कतें हुई थी या घायल हुए थे लोग, और आज भी इसका इंपैक्ट देखा जाता है। तो 1979 और 1991 के बीच में एक कंपनसेशन दिया गया था सरकार द्वारा, राहत दी गई थी, ठीक है, राहत राशि दी गई थी जो लोगों को, ये जो लोग पीड़ित लोग थे ना, उनको एक फंड दिया गया था। लेकिन अब ये बात आ रही है, क्या ये फंड सही था, क्या ये फंड ज्यादा था या क्या ये फंड कम था, उसके बारे में डिस्कशन हो रहा है। तो यही डिस्कशन चल रहा है, देखो अब क्या होता है, ठीक है, या फिर मतलब क्या अभी और फंड देने की जरूरत है उन लोगों को, इस चीज पे बात चल रही है। ये एक बेस्ट इनिशिएटिव है, ठीक है, अगर वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड कुछ भी चीज आती है ना, पोचर है या फिर शिकार होता है लोगों का, तो ये एकदम ब्रिलियंट चीज है, क्योंकि काजीरंगा जो कि असम में है, काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम में है, इसमें 2,480 राइनो के जो हॉर्न होता है ना, राइनो का हॉर्न समझ रहे हो, जो सूंड होती है, सूंड क्या, दांत, सूंड होती है, ठीक है, राइनो का वन हॉर्न राइनो होते हैं, तो वन हॉर्न राइनो बहुत फेमस है इंडिया में। लेकिन इन राइनो का ये जो वन हॉर्न है ना, ये जो एक सूंड टाइप की निकली रहती है, इसको बेचा जाता है, क्योंकि ये माना जाता है इससे बहुत सारी दवाइयां बना सकती है। तो इसके लिए क्या होता है, राइनोस को मार दिया जाता है और इसका हॉर्न निकाल के ले जाते हैं। ये इसको रोकने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव चलते हैं, और उन्हीं में से एक इनिशिएटिव अभी अपनाया गया है, जहां पर ऐसे स्मगलर्स को जो इसका हॉर्न बेच रहे हैं, उनसे सारे हॉर्न जब्त किए गए, प्लस कुछ राइनोसोरस है जो नेचुरली मरे, उनको भी लिए गए और उनको जला दिया गया, ये दिखाने के लिए कि इनकी कोई मेडिसिनल वैल्यू है नहीं, तो इनको चुराओ मत, ठीक है। और उसके लिए हॉर्न या देश की जो धरोहर है ना, वन हॉर्न राइनोसोरस, जो कि काजीरंगा नेशनल पार्क और असम में सबसे ज्यादा पाया जाता है, ठीक है, उसको मारने की जरूरत नहीं है, तो उसको जला दिया गया। उसकी जलाई हुई खाक है उसको सीमेंट के साथ मिक्स करके एक राइनोसोरस की मूर्ति बनाई गई है,
एक राइनोसरस की मूर्ति बनाई गई है, वो जो जिसको बोला गया है अबॉर्ड ऑफ द यूनिकॉर्न, अबॉर्ड ऑफ द यूनिकॉर्न, मिही मुख में। ठीक है, ये चीज समझ में आई। एक इंपॉर्टेंट है, ये एक अच्छा स्टेप है, ये एक अच्छा एक तरीका है दिखाने का दुनिया को। ठीक है, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट प्रिलिम्स के लिए न्यूज आ रही है, 200वीं राइड होने जा रही है, 200 सक्सेसफुल लॉन्च होने जा रहा है। किस रॉकेट का? रूनी आरएक्स 200 रॉकेट का। ये एक साउंडिंग रॉकेट है, और ये इसरो के द्वारा यूज किया जाता है एटमॉस्फेरिक स्टडीज के लिए। तो आपको याद रखना है 200वीं राइड किसकी होने जा रही है। हाल ही में 200वीं राइड कौन पूरी करेगा? रोहिणी आरएच 200 साउंडिंग रॉकेट, 200 साउंडिंग रॉकेट। ठीक है, समझ में आया। 198 सक्सेसफुल फ्लाइट ये कर चुका है। ठीक है, और अगर रोहिणी के वेरिएंट की बात की जाए तो दो वेरिएंट में ये आता है, आरएच 300 मार्क 2 और आरएच 560 मार्क 2। बस आपको ये याद रखना है प्रीलिम्स के लिए, और ये आप मेंस में यूज कर सकते हो कि इंडिया कितनी आगे निकल गया। हम अपने जो साउंडिंग रॉकेट्स हैं उसकी 200वीं राइड करने जा रहे हैं, 200वीं सक्सेसफुल राइड करने के लिए जा रहे हैं। इसका कोई मतलब नहीं है इस न्यूज का। एक ही इंपॉर्टेंट न्यूज आती है फिर से, जहां पे देखो अगर पेट्रोल गाड़ी है तो वो सिर्फ पेट्रोल पे चलेगी, अगर डीजल गाड़ी है तो वो सिर्फ डीजल पे चलेगी। ठीक है, लेकिन ऐसी कोई गाड़ियां नहीं बन रही हैं जो पेट्रोल दो मोड पे एक साथ चले, पेट्रोल और बैटरी इन पे एक साथ चले। अगर बैटरी ऑपरेटेड गाड़ी है तो वो सिर्फ बैटरी पे चल पाएगी। ठीक है, बैटरी ऑपरेटेड गाड़ी सिर्फ बैटरी पे चल पाएगी, पेट्रोल पे नहीं चल पाएगी। तो अब दिक्कत यही होती है कि बैटरी कई बार खत्म हो जाती है तो रिचार्ज करने की जरूरत है। ये एक रेवोल्यूशन हो सकता है, इसको बोला जाता है फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी। इसको बोला जाएगा फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी। क्या होगी? जिसमें एक जगह बैटरी लगी रहेगी, एक जगह आपका इंजन लगा रहेगा। तो मान लीजिए बैटरी खत्म हो जाती है तो आप पेट्रोल पे शिफ्ट करके गाड़ी चला सकते हो। ठीक है, सिमिलरली पेट्रोल पे शिफ्ट करके गाड़ी चला सकते हो। सिमिलरली अगर देखो अब क्या होता है, कई आपने पहले देखा होगा गैस किट लगती थी, तो गैस जैसे ही खत्म होती है, सीएनजी जैसे ही खत्म होती है, आप तुरंत पेट्रोल पे चले जाते हो, क्योंकि सीएनजी और पेट्रोल दोनों सेम इंजन पे काम करता है। लेकिन बैटरी के लिए ऑल टुगेदर डिफरेंट इंजन चाहिए रहता है। तो अभी जो बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल आ रहे हैं उनमें सिर्फ बैटरी लगी होती है, उनमें कोई भी इंजन नहीं लगा होता है। मतलब फ्यूल इंजन जो रहता है वो बैटरी ऑपरेटेड इंजन होता है, पेट्रोल ऑपरेटेड नहीं होता है। तो अगर ये खत्म हो गई तो खेल खत्म, बैटरी खत्म हो गई तो खेल खत्म। तो दैट इज बाय लॉन्ग। अब देखो, या तो बैटरी बड़ी बनाओ कि वो 100,000 किलोमीटर चले, या फिर ऐसा बनाओ कि एक फ्यूल टैंक है जो 500 किलोमीटर तक चला सकता है एक गाड़ी को। ठीक है, और एक बैटरी है जो 300 किलोमीटर या 200 किलोमीटर चला सकती है। तो हर 200 किलोमीटर में आप चार्ज करो, जब जरूरत पड़े कि यार अब चार्जिंग पॉइंट मिल ही नहीं रहा है या अर्जेंसी भी है, तो आप फ्यूल टैंक पे स्विच करके 500 किलोमीटर चले जाओ। इस टेक्नोलॉजी को हम एक साल में बना लेंगे, लेकिन देखते हैं क्या है। प्रीलिम्स के लिए बहुत जरूरी है, फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी बोलते हैं। आप ये पढ़ सकते हो, मैंने जो बताना था वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी पे। मैं एक आर्टिकल भी बनाऊंगा, क्या है ये, क्या पेट्रोल और बैटरी दोनों से साथ में चल सकती है, मैं कल इस पे एक आर्टिकल बना दूंगा। ठीक है, इसके बाद इंडिया $100 बिलियन का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इस साल हासिल कर सकता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है जब बाहर के लोग, फॉरेनर, इंडिया में खुद आके इंडस्ट्री खोलते हैं, या फिर कुछ बोलते हैं ना, कुछ चीज खोलते हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होता है, खुद आके खोल रहे हैं। वो किसी कंपनी के शेयर में पैसा नहीं लगा रहे, खुद आके खोल रहे हैं या किसी के साथ पार्टनरशिप में खोल रहे हैं, तो उसको FDI बोलते हैं। तो इस साल $100 बिलियन का FDI इंडिया देख सकता है। बड़ी न्यूज नहीं है क्योंकि अभी हुआ नहीं है। जैसे ही होगा उस दिन जरूर आएगा। और आपको याद रखना है कितनी कंट्रीज से FDI आ चुका है। 101 कंट्री के लोग इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए खुद आ चुके हैं, जो कि एक बहुत बड़ी न्यूज है। और अगर मैं बोलूं कि किससे सबसे ज्यादा आता है, तो याद रखिएगा मॉरिशियस, सिंगापुर, इन्हीं कंट्रीज से सबसे ज्यादा FDI आता है। ठीक है, हाल शेयर जब आएगा तब हम देख लेंगे, कोई जरूरत नहीं है इसको देखने की, कुछ नहीं है, ये सब चीजें चलती रहती हैं। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, कुछ देखो, इंडिया ने सू
MKI फाइटर एयरक्राफ्ट। अब ये कहां से आया है, ये याद रखिएगा, ये रशिया से आया है। तो आपको इंपॉर्टेंट ये हो सकता है कि ये डायरेक्टली प्रीलिम्स में पूछा जाए ये एयरक्राफ्ट कहां से आया है, तो SU-30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट रशिया से आया है और हम इसको अपग्रेड, मतलब हमारे एयरफोर्स को अपग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए ये लिया गया है। बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं है इसमें यार। ये सब न्यूज कभी भी MPBSC के लिए जरूरी नहीं है, ठीक है। छोड़ो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आता है आपका क्विक लुक, जो कि प्रीलिम्स के लिए बहुत जरूरी होता है। तो सित्तन वसल क्या है, ठीक है, तो सबसे पहले याद रखना ये सबसे पुराना इनहैबिटेड एरिया है कहां पर, और ये जैन एरिया है, ठीक है, जहां पर, और जहां पर है ये तमिलनाडु में है, जहां से पंड्या पेंटिंग मिली है। इसके अलावा पंड्या पेंटिंग कहीं भी तमिलनाडु में कहीं भी नहीं मिली है। तो सित्तन वसल इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, न्यूज में भी काफी समय तक बना है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, तो 106वीं बर्थ एनिवर्सरी थी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की, ठीक है। और ये पहले थे इंडिया में जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पे काम करने के लिए जिन्होंने बात करी थी। इसके बारे में बहुत जरूरी नहीं है ये, क्योंकि 106वीं, अगर 100वीं बर्थ एनिवर्सरी होती तो बहुत ज्यादा हमें करना पड़ता, ठीक है। अब लुई फ्लेचर, ये कौन है, तो ये फेमस अकेडमी अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस है, बस ये पता होना चाहिए आपको। 88 साल में इनका निधन हो गया, प्रीलिम्स के लिए बस इतना जरूरी है। कॉफी रिंग इफेक्ट क्या होता है, देखो सिंपल सी बात है, छोड़ो ये यार, ये जरूरी नहीं है। ऑर्कली ऐप आपको पता होना चाहिए, ऑर्कली ऐप क्या है, ये देखो, ये इंपॉर्टेंट ऐप है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। तो अगर क्लाइमेट चेंज का भी आए तो आपको बताना पड़ेगा, ऐसी एप्स बनना और जरूरी है। ये माइक्रो क्लाइमेट अलर्ट देता है, छोटा भी अगर चेंज आ रहा है आपके क्लाइमेट में, छोटा सा भी चेंज आ रहा है आपके क्लाइमेट में तो उसका अलर्ट देगा। अब देखो प्रीलिम्स में डायरेक्टली आ सकता है, और कैडली आप किससे रिलेटेड है नहीं आएगा, लेकिन मेंस में आप इसको बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो कि क्लाइमेट को चेंज को रोकने के लिए क्लाइमेट चेंज को मॉनिटर करना बहुत जरूरी है कि कब कब चेंज हो रहा है, क्या क्या चीजें करने की वजह से चेंज हो रहा है। तो ऐसी एप्स मॉनिटरिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करती है, और कितने गर्व की बात है कि ये एहसान कुदसी, जो कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है कश्मीर में, ठीक है, उनके द्वारा ये बनाया गया है। तो लेट अस सी आगे क्या होने वाला है, ठीक है। बड़ा आज का बड़ा न्यूज़पेपर है, इसलिए आराम से हम करते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ है, ध्यान से समझना, सिटी ऑफ जॉय, अच्छा ये दशहरा बैक इन फुल ऑन ग्लोरी इन द सिटी ऑफ पैलेसेस, ये मतलब मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगी है न्यूज, आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, ठीक है। चंडीगढ़ ने अपनी खुद की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी है ली है, तो आप स्टार करके इसको आप बता सकते हो कि मध्य प्रदेश भी चंडीगढ़ की लाइंस में अपनी खुद की इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी लॉन्च कर सकता है, जो कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को मध्य प्रदेश में बढ़ावा देगा और फ्यूल कंजम्पशन वाले जो व्हीकल है उसको कम करेगा। अगर आप ये लिख रहे हो ना कि चंडीगढ़ के जैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी हमें लॉन्च करनी चाहिए, तो आपको एक नंबर मिलेगा, क्योंकि देखो आप लिखोगे मध्य प्रदेश को एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी लॉन्च करनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, आधा नंबर मिलेगा। लेकिन चंडीगढ़ जैसे, तो ये प्रूफ करेगा कि आपको पता है कि ऐसा नहीं है, आप हवा में नहीं बोल रहे हो कि मध्य प्रदेश को खुद करनी चाहिए, चंडीगढ़ ने जैसा किया है उन्हीं लाइंस पे करनी चाहिए। तो ये चीजें कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। अब चंडीगढ़ एयरपोर्ट का जो नाम है उसको भगत सिंह एयरपोर्ट के नाम से जाना जाएगा, ये एक बड़ी न्यूज है, ठीक है। चलो, तो आज का न्यूज़पेपर यहाँ खत्म होता है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो, होप यू हैव एंजॉयड द लेक्चर। आज बहुत ज्यादा न्यूज आई थी, लेकिन हाँ, जितना मैं आपको करा रहा हूँ ना प्रीलिम्स और मेंस के लिए, उससे बाहर नहीं आएगा कुछ, ये मेरी गारंटी लिख लो, मेरी गारंटी ले लो, जितना मैं आपको करा रहा हूँ ना, सिंपल, एकदम सिंपल, प्रीलिम्स के लिए क्या फैक्ट जरूरी है, मेंस के लिए क्या एग्जांपल जरूरी है, हमें मेंस में भी फोड़ना है, प्रीलिम्स में भी फोड़ना है, ठीक है। चलिए, थैंक यू गाइज, ऑल द बेस्ट, आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। थोड़ा सा स्टार्टिंग में डिले था।